इस बार आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसमें कि हर घर तिरंगा उत्सव दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाना है। इसके लिए गांदरबल ज़िले में सभी जगहों पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे कि अगर बात करें शहर की, तो शहर के अंदर आज ट्रेडर यूनियन के द्वारा, सुमो स्टैंड वालों के द्वारा, म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा, काउंसलर्स के द्वारा और आम नागरिकों के द्वारा एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसके अंदर मेरे को भी बुलाया गया था। और इससे सभी लोगों ने आज प्लेज भी ली है कि अगले 13 से 15 तारीख के बीच में सब लोग अपने अपने घरों पर झंडा लहराएंगे। हमारे जितनी भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे वो मानसबल हो, चाहे वो सोनमर्ग हो, चाहे वो नारनाग हो, चाहे कोई भी जगह हो, उन सभी जगहों पर भी हमारे यहाँ पर झंडा लहराने की कार्रवाई की जा रही है। लोगों के द्वारा दूर दूर की पंचायतों में, जैसे कि मीडिया के साथियों ने भी पहले भी छत्रगुल की जैसे स्टोरी कवर की है आप लोगों ने, और ये हमको आप ही लोगों से पता चला कि वहाँ पर भी तिरंगा लगा है। तो यानी कि हमारे पूरे ज़िले के अंदर ये जो हर घर तिरंगा की मुहिम है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इसके लिए स्कूलों में भी बहुत बढ़ चढ़ कर उत्साह दिखा है। स्कूलों के अंदर लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, डिबेटिंग कंपटीशन हुए हैं, ऐसे कंपटीशन हुआ है, सिंगिंग कंपटीशन हुआ है, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फ्लैग को भी जाना है। और इन्हीं सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं इस बार, अपने 75 साल के आज़ादी को हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी लोग का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूरे गांदरबल ज़िले से मैं यही अपील करना चाहता हूं, इस महोत्सव को बहुत अच्छे से मनाएं और सब लोग इस आज़ादी को महसूस कर सकें।